हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसके चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको अपन आज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करने से पहले ये जो भी चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल, उसको अपन जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट उसके मीनिंग जानेंगे, फिर उसके टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, सो फर्स्ट देखिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज इक्वालिटी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन रहता है वो इक्वल होता है किसके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन किससे बनता है फ्रेंड्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से बोल रहा है। ओके, सो मैंने एक आपको एक इक्वेशन एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे कि 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 35। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS भी बोलते हैं अपन, और ये RHS बोलते हैं। सो इन दोनों के बीच में जब इक्वल साइन आएगा फ्रेंड्स, उसको अपन इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होगा, एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। सो दो एक्सप्रेशन को अपन जब इक्वल साइन से डिनोट करेंगे तो वो अपने को इक्वेशन बन जाए। ओके फ्रेंड्स, सो इक्वेशन का मीनिंग वही चाहिए। सो वेरिएबल्स बोलते क्या है, वेरिएबल्स जो एक्स टर्म्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं जस्ट नंबर, उसको अपन कॉन्स्टेंट्स को नंबर्स को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आऊंगा इक्वेशन क्या होता है। अभी नेक्स्ट अपन लीनियर इक्वेशन क्या होता वो देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट अपन इसका डेफिनेशन देखेंगे। इफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज वन, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। सो देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि अगर कोई एक इक्वेशन का डिग्री वन है उसको अपन लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। सो देखेंगे इसको समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे तो और भी अपन को बेहतर समझ में आएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, 2x, मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 35। और भी मैं एक एग्जांपल लूंगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। सो देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए डिग्री क्या है, डिग्री यानी पावर, इसका पावर जो टोटल अपने को जिसका वेरिएबल है जिसपे ओनली एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं आया, सो जस्ट अपन क्या मानेंगे, वन मानेंगे। सो ये अगर वन है इसका पावर, तो ये अपने को क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं अपन। ओके फ्रेंड्स, जिसका डिग्री वन है उसको अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इधर वेरिएबल्स तो दो है बट दोनों में भी पावर वन वन ही है, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का केस है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी अपन लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं, इसको भी अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इन केस थर्ड बिट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर दोनों दोनों साइड में भी एग्जांपल 4x इज इक्वल टू और x 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है, दोनों साइड्स में भी अपन को वेरिएबल्स है, दोनों साइड्स में भी वेरिएबल्स एक्स टर्म्स है, सो ये भी क्या है, बट डिग्री तो 1 है इसके अंदर दोनों, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। बट फोर्थ वाला देखिए फ्रेंड, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। देखिए फ्रेंड, इधर एक्स स्क्वायर आ गया है, इधर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। जब स्क्वायर आ जाएगा तो इसका डिग्री वन नहीं होगा, तो इसका डिग्री क्या हो गया, टू हो गया। सो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, सो नॉट लीनियर इक्वेशन। सो ये लीनियर इक्वेशन का केस नहीं है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आऊंगा अभी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब कोई इक्वेशन का डिग्री अगर वन है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, और भी कुछ टॉपिक्स है अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन लीनियर इक्वेशंस क्या हो गया पढ़ लिए, इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के मतलब जान लिए। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मीनिंग जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सिंपल इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे अभी। सो क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख लेंगे। इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है, जब अपन कोई इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है तो वो अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते। सो अब एग्जाम्पल्स अपन जो भी ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैंने सेम एग्जाम्पल्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट वाला मैंने 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 35 लेना, तो इधर भी लिख लूंगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 35। सो देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है, जस्ट वन वेरिएबल, वेरिएबल यानी क्या है, जो भी अपन अल्फाबेट से डिनोट करेंगे उसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, कॉन्स्टेंट्स बोलते क्या होता है, जो नंबर्स रहते हैं उसको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। अभी इधर देखिए, वेरिएबल यानी
एक ही वेरिएबल है, वो भी एक्स वेरिएबल है। सो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, एक एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, सो ये करेक्ट है। अभी सेकेंड वाला देखेंगे अपन, इसको 2x प्लस 2y है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। सो इसमें देखिए फ्रेंड्स, x भी है y भी है, सो ये क्या है, इधर टू वेरिएबल्स है, सो इसको अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलते, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये अपना केस पॉसिबल नहीं है, सो इस तरह अपन को करना है। सो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इधर टू अल्फाबेट्स एक्स एंड वाई है। ओके फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है, इसके लिए अपन इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं बोल रहे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स केस होता है, बट अपन उसको अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। बट अपने को ये पढ़ना है, चाहे वन वेरिएबल है या नहीं है, उतना ही डिस्कस करना है। सो अभी एक मैं और एक भी एग्जांपल लेकर आप समझाऊंगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है, x है और इधर भी एक x है, बट दोनों साइड में भी एक ही सेम वेरिएबल रहने के कारण वो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर इन केस अगर इधर x है और इधर y है, सो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का केस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आऊंगा। सो ये भी एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का केस है। ओके, सो ये फोर्थ बिट मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड है। सो अपन को फर्स्ट तो लीनियर इक्वेशन नहीं आई है, तो और क्या है, एक्स वाई जेड थ्री टर्म्स हो गए, तो ये ऑब्वियसली नॉन लीनियर इक्वेशन ही होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आऊंगा, इस तरह अपन को पढ़ना था। अभी अपन नेक्स्ट और भी कुछ टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक है, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन वन साइड। सो कहने का मतलब यह है फ्रेंड, जहाँ पे वो जो एक ही साइड पे वेरिएबल्स है उसको अपन कंसिडर करके उसको अपन सॉल्व करना है। सो देखिए, फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, सॉल्व द इक्वेशन 3y प्लस 39 इज इक्वल टू 8। सो देखिए फ्रेंड, ओनली वन साइड पे वेरिएबल है, वो y है 3y। ओके, सो इधर अनदर साइड पे वेरिएबल नहीं है, सो ओनली वन साइड, सो वही बोल रहा है। सो अभी अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। 3y प्लस 39 इज इक्वल टू 8। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं ये 39 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दूंगा, सो 35 इज इक्वल टू 8, ये प्लस जाए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा माइनस 39। सो ट्रांसपोजिंग 39 टू दी राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड, सो अभी देखिए 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 39 करेंगे तो क्या आएंगे फ्रेंड्स, अपने को माइनस 31 आएंगे। अभी अपन को क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, y वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेशन सॉल्व करना है क्या, जस्ट अपन को y वैल्यू का फाइंड आउट करना है। सो y इज इक्वल टू माइनस 31, ये 3 को मैं इधर साइड लेकर आऊंगा तो क्या डिनोमिनेटर बन जाएंगे। सो ट्रांसपोजिंग फिर से किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं अपन, 3 टू द RHS। ओके, सो अभी अपन को y का वैल्यू आ गया। ओके फ्रेंड, सो इस तरह अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड्स। सो अभी अपन इसको फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ 3y प्लस 39 इज इक्वल टू 8 इज y इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, माइनस 31 बाई 3 आया। ओके, सो इस तरह अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी ये जो भी वैल्यू है ये करेक्ट है नहीं है करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपन चेक करना पड़ेगा। सो चेक, अपने चेक करने का ये सेवेंथ क्लास में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। सो कैसा करेंगे, ये जो भी y वैल्यू आया जस्ट अपन इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन। सो 3 इंटू y क्या है, माइनस 31 बाई 3 प्लस 39 इज इक्वल टू 8। सो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंटू 31 करेंगे तो अगर डायरेक्टली मैं 3 कैंसिल कर दिया तो माइनस 31 प्लस 39 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो माइनस 31 प्लस 39 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, फिर ये भी 8 हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अपन को हर क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन का जो भी आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर आया ये करेक्ट है निया करने के लिए, ये भी एक चेक के थ्रू अपन उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले सकते। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन
सॉल्विंग इक्वेशन दैट हैज वेरिएबल्स ऑन बोथ दी साइड्स। सो इससे पहले अपन सॉल्विंग इक्वेशन दैट हैज वेरिएबल ऑन वन साइड पढ़े थे ना, अभी अपन बोथ दी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, सो ये भी देखेंगे। सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ, उसकी मदद से आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्व 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स। सो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी x के वेरिएबल्स है, इधर भी x के वेरिएबल्स। ओके, सो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये फर्स्ट अभी अपन इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड, और 5 इंटू 2 दैट इज 10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 टू जो 10, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 फोर जो 8, और x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, 3 प्लस 3 इंटू 5 15, माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16, 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? अभी अपन क्या करेंगे, इधर देखेंगे फर्स्ट, 5x प्लस 8x कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स, 5x प्लस 8x 13x, और ये प्लस 10 माइनस 6 कितना आएंगे फ्रेंड्स, प्लस 4 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर देखिए फ्रेंड्स, 3x प्लस 4x, सो टोटल 7x हो जाएगा, और इधर प्लस 15 माइनस 16 हो रहा है, सो प्लस 15 माइनस 16, सो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 1 आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अपन क्या करेंगे, x वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। सो 13x, ये 7x को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो माइनस 7x हो जाएगा, और ये माइनस 1 का माइनस 1, ये प्लस 4 को राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो माइनस 4 हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 13x माइनस 7x करेंगे, सो आपको आंसर 6x आएगा, और माइनस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 5 आएंगे। अभी देखेंगे अपन x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 6, ये मैं 6 को राइट हैंड साइड पे लेकर आया तो 6 बन जाएंगे। सो इस तरह अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड, इस तरह अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपका आंसर करेक्ट है नहीं है करके फिर से देखना, तो सेम आप x की जगह में आप ये लगाइए, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगे। ओके, सो इससे अपन ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, और भी एक टॉपिक है फ्रेंड, अपन वो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनने के कारण मैं यहाँ पर ही स्टॉप करूँगा। ओके, सो अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मिला तो लाइक भी करिए, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।